गर्मियों में तेल नहीं बल्कि ठंडा ठंडा ये नुस्खा लगा कर देखिए। हर सीजन के अकॉर्डिंग हमारे बालों की केयर करने का जो तरीका है हमें चेंज करते रहना चाहिए। तो आज मैं मैजिकल वाटर बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ आपको, जिसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं और या फिर आप नहाने के 2 घंटे पहले भी लगा सकते हैं। ये आपके बालों की ग्रोथ को दुगना कर देगा, साथ ही न्यू हेयर रूट्स बनने में भी आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही साथ आपको ऑयलिंग की भी गुडनेस मिलेगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं इस मैजिकल वाटर को बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की हमें जरूरत लगने वाली है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए रोज़ लाती रहती हूँ। साथ ही वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों सबसे पहले आपको ना आधा प्याज लेना है, ऐसे नहीं कि हम रेमेडी बना रहे तो हम पूरा प्याज यहाँ पर लेंगे, नहीं, जितना हमें लगने वाला है एक टाइम के लिए उतना ही प्याज आपको लेना है। तो आधा प्याज काफ़ी है इस रेमेडी को बनाने के लिए। तो कट करके मैं डायरेक्ट उसको ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। अब इसके साथ आपको लेना है करीब 2 चम्मच चावल। जितनी क्वांटिटी में बना रही हूँ मैं उतनी क्वांटिटी एक टाइम के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पर जो अगली चीज़ मैं डाल रही हूँ दोस्तों वो है मेथी दाने। तो 1 चम्मच यहाँ पर मेथी का दाना आपको डालना है और आपको डालना है फिल्टर्ड वाटर, पानी जो हम पीते हैं ठंडा वाला वो इसमें डालिए और इसको ग्राइंड कर दीजिए। देखिए अच्छे से इसको मैंने पीस लिया है और इसको अब छान लेंगे। छान करके इसको टोनर टाइप का हम बनाएंगे, हमें केवल छान करके इसका जूस ही चाहिए होगा। अब इसको आप किसी भी स्प्रे बॉटल में भर करके रख सकते हैं। तो अच्छी तरीके से छानने के बाद में इसको किसी स्प्रे बॉटल में भर के रख दीजिए ताकि आपको लगाने में आसानी हो। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ हम इसमें डालने वाले हैं, तो उसको डालने से ना आपको ऑयलिंग की गुडनेस भी मिलेगी दोस्तों, और वो है विटामिन ई ऑयल की 1 कैप्सूल। ये आपके बालों को जड़ों से ही मजबूत बनाता है, साथ ही साथ न्यू हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी इस टॉनिक को लगाने के बाद। अब बस बॉटल को बंद करके आप अच्छे से इसको शेक कर लीजिए ताकि विटामिन ई ऑयल भी जो है अच्छे से इस बॉटल में सबके साथ मिक्स हो जाए। दोस्तों इस बॉटल को अब आप फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपको लगाना हो बॉटल को फ्रिज से निकालिए और लगाइए, स्प्रे कर दीजिए अपने बालों पर। जब भी आप इसको लगाएंगे, चाहे रात में लगाएं या फिर दिन में लगाएं, आप बाल धोने के 2 घंटे पहले भी इसको लगा सकते हैं। जब भी लगाएंगे फ्रिज से निकालेंगे ना, तो आप थोड़ा सा शेक कर लीजिए बॉटल को, उसके बाद इसको अपने बालों पर स्प्रे कीजिए। इस हेयर टॉनिक को लगाने से आपके बाल बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे, पसीना नहीं आएगा, आपको गर्मी वाली परेशानी जो होती है ना अक्सर तेल लगाने से वो नहीं होगी। उल्टा जब भी आप इसको अपने बालों की जड़ों पर लगाएंगे आपको ठंडक महसूस होगी। दोस्तों जब तक मैं इसे अपने बालों पर स्प्रे कर रही हूँ तब तक आप मुझे बताइए कि आप मेरे इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा आपका नाम, आपकी जगह का नाम, ताकि अगली वीडियो में मैं अपनी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स कह सकूं। मेरा पिछला थैंक्स जाता है आशा जी को, जो कि पालनपुर से है। आप इसे लगाइए अच्छे से अपने पूरे बालों पर लगाइए, बालों की लंबाई पर लगाइए, रूट्स पर तो आपको लगाना ही है। केवल लगाकर रखना नहीं दोस्तों, हल्के हाथों से मसाज भी करनी है फिंगर टिप्स की मदद से, जिससे कि हेयर ग्रोथ जो है अच्छी हो और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। और जितने जो भी टॉनिक हमने अपने बालों पर लगाना है उसके पोषक तत्व आपके जड़ों के अंदर तक जाकर काम कर सके। दोस्तों आप भी मेरी सिंपल सी रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए, रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि आपके ज़रिए उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।